देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जद्दोजहद में लगी हुई हैं और लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी कर रही हैं। इसी बीच राजधानी दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद मनोज तिवारी और कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार के बीच कड़ा मुकाबला है। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को देशद्रोही कह दिया। वो आतंकवादियों के समर्थक है। राजधानी दिल्ली में इस बार बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के दो अहम राजनीतिक दल यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस 3 सीटों पर। सभी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और कन्हैया कुमार के सामने बीजेपी के दिग्गज नेता मनोज तिवारी है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और दोनों ही एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। इसी बीच बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि कन्हैया कुमार एक देशद्रोही आरोपी व्यक्ति हैं, वो देशद्रोही सिद्ध होंगे। कन्हैया कुमार एक देशद्रोही आरोपी व्यक्ति है और अगर हमारी माने हम तो उस समय सारे जो मोबाइल में सारे रिकॉर्डिंग हुई उन्होंने वो देशद्रोही सिद्ध होंगे, लेकिन देशद्रोह के आरोपी हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने का उन्होंने काम किया। वो आतंकवादियों के समर्थक हैं कि तुम, उन्होंने एक नारा लगाया ना कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। अफजल कौन है? वो कलाम की बात नहीं कर रहे हैं, अफजल वाज अ टेररिस्ट जो संसद पे हमला कराया था। वो कहते हैं कि कितने मारोगे, किसको बोल रहे हो? सुप्रीम कोर्ट को, जिसने फांसी की सजा दी। हम हर घर से आतंकवादी निकालेंगे ना, अफजल निकालेंगे, तो दिल्ली का कौन व्यक्ति उनको वोट देगा? हम तो, आप देखिएगा जब वोट आएगा, बेगूसराय में जब वो लड़े थे तो जितना विपक्ष को वोट मिलता था उसका मात्र 70% ही वोट मिला, 30% उसमें भी कट गया उनको। पहले वोट मिलता था करीब 3.5 लाख, उनको मिला 2.25 लाख। ऐसे में बेगूसराय में जो उनका बुरा हाल हुआ, उससे भी बुरा हाल यहाँ जो कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी के कैडर वोटर हैं, वो भी उनको वोट देने के लिए उनकी आत्मा तैयार नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो कन्हैया कुमार को देगा वोट वो करेगा भारत माता की छाती पर चोट। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।